मेहरबान गरीब नवाज श्री अकाल पुरख सतगुरु जगजीत सिंह जी दे प्रकाश पुरब दियां बेअंत बेअंत वधाइयां। संगीत जगत च श्री सतगुरु जी दी असीम कृपा है। अज गल करांगे एक महान संगीतकार दी। मस्या दी रात तो अगले दिन एकम नूं चंद्र देवता जी दे दर्शन करने बहुत ही मुश्किल हन, पर 19 वैसाख 2059 बिक्रमी वाले दिन जगत प्रसिद्ध संगीतकार पंडित जसराज जी ने चन्न तो भी सुंदर स्वरूप श्री सतगुरु जी दे दर्शन करके अपने आप नूं धनता दे पात्र बना लिया। इस दे संबंध विच श्रीमान राजेश मालविया जी बहुत ही सुंदर शब्दों विच आप जी नूं जानकारी देंगे। सुनो मालविया जी नूं ते दर्शन करो श्री सतगुरु जी दे। पंडित जी भजन गाउण तो बाद अपनी कृतज्ञता किस तरह पेश करते हैं? धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। सारी सृष्टि को श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी के 100वें प्रकाश पुरब की लाख लाख बधाई, और सतगुरु जी के चरणों में अरदास है, विनती है कि अपनी कृपा सारी सृष्टि के ऊपर बनाए रखें। सतगुरु जी को याद करके बहुत सारे दृष्टांत मन में आते हैं, बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उनमें से एक याद पंडित जसराज जी, जिनका अभी थोड़े समय पहले निधन हुआ। पंडित जसराज जी 2 मई 2003 यहाँ किसी कार्यक्रम के सिलसिले में लुधियाना आए हुए थे, तो खबर मिली कि श्री सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए पंडित जी श्री बैनी साहब आ रहे हैं। जैसे ही मुझे खबर मिली तो हम कोठी गए। वहाँ पर पहले से ही रागी मोहन सिंह जी, रागी सुखदेव सिंह जी सारे वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। करीब 10 बजे के आसपास पंडित जी की कार आई, तो उनके साथ उनके तबला प्लेयर जो थे विजय घाटे जी, उनकी बेटी दुर्गा जसराज और एक मृदंगम प्लेयर थे मुंबई से श्रीधर पार्थ सारथी, हम सब ने स्वागत किया उनका। तो पंडित जी को देख करके ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी चंडीगढ़ से, तो पंडित जी बहुत जल्दी में थे कि सतगुरु जी के दर्शन हो जाएं और हम यहाँ से जल्दी से रवाना होए। लेकिन किसी कारण से सतगुरु जी व्यस्त थे, तो थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था सतगुरु जी को आने के लिए। पंडित जी को वहाँ पर बिठाया गया माता जी वाली कोठी में। तो बलवंत सिंह रागी ने अंदर बाग वाली कोठी में जाके सतगुरु जी को अर्ज की कि पंडित जसराज जी आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए। तो फिर भी सतगुरु जी थोड़ा व्यस्त थे, और यहाँ पंडित जी को जल्दी थी कि भाई कहीं मेरी फ़्लाइट ना छूट जाए। पंडित जी बार बार बोल रहे थे भाई कब दर्शन होंगे। तो थोड़े समय बाद सतगुरु जी ने दर्शन दिए। सतगुरु जी के हजूरी सेवक संत रशपाल सिंह जी वो भी साथ में थे। तो मंजे पर आसन लगा हुआ था, सतगुरु जी वहाँ आकर के विराजमान हुए, माता जी वाली कोठी आए। तो पंडित जी ने अपने अंदाज में जैसा वो हाथ उठा करके उन्होंने जय हो उन्होंने अपना उद्घोष किया, और सतगुरु जी के हम सभी लोग और भी रागी सभी नीचे दरी बिछी थी वहाँ हम सब बैठ गए। पंडित जी थोड़ी देर सतगुरु जी के दर्शन करते रहे, और ना जाने उनके मन में क्या आया दर्शन करके कि उन्होंने सतगुरु जी के चरणों में अर्ज की कि मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। तो सतगुरु जी ने संत रशपाल सिंह जी को हुक्म किया इशारे से कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो संत रशपाल सिंह जी ने अर्ज की कि पंडित जी भजन सुनाने की इच्छा रखते हैं। तो सतगुरु जी ने इशारा किया कि ये मंजा यहाँ से हटाइए और नीचे मेरा आसन लगवाओ। तो पंडित जसराज जी समझ गए, तो उन्होंने अर्ज की सतगुरु जी को कि महाराज आप ऊपर ही बैठे रहिए, मैं नीचे बैठे बैठे गा दूंगा। तो संत रशपाल सिंह जी ने पंडित जी को कहा कि कोई बच्चा भी अगर संगीत कर रहा होता है तो सतगुरु जी उस बच्चे का आसन भी अपने बराबरी से लगवाते हैं या अपना आसन उसके बराबर पे लगाते हैं।
इतनी बात सुन करके पंडित जसराज जी और वहाँ जो और भी संगत बैठी हुई थी बहुत भाव विभोर हो गए सभी। और पंडित जी ने ये बात कही कि महाराज, इतनी जगह मैंने गाया है, बहुत से महापुरुषों के, संतों के आश्रमों में, लेकिन जो सम्मान संगीत का यहाँ मैंने देखा है, जो आपने सम्मान दिया है संगीत को, वैसा मैंने कहीं नहीं देखा। उसके बाद पंडित जसराज जी ने एक भजन सुनाया जिसके बोल थे, गुरु आज्ञा में निसदिन रहिए, जो गुरु चाहे सोई सोई करिए। सद्गुरु जी के सब दर्शन कर रहे थे और भजन सुन के सभी आनंदित थे और भाव विभोर थे। और उतने समय तक पंडित जी को भी ध्यान ही नहीं रहा कि उनकी फ़्लाइट लेट हो रही है। और उसके बाद भी बहुत देर तक पंडित जी दर्शन करते रहे सद्गुरु जी के। बाबा जी, मुझे बहुत आपकी सेवा करके अति आनंद आया है। और कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैंने गुरु की कुछ सेवा करने का मुझे मौका मिला। कि आपने दर्शन दिए और आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आपके दर्शन, गुरुओं के दर्शन होना, ये बहुत भाग्य होता है तो ही होता है। और मैंने अर्ज किया ना कि गुरु की महिमा अपरम पार, अक्षर ओम में करत विहार, वो गुरु ही कर सकते। भगवान ने आपको उस पद पे बिठाया है जाओ। अति सुंदर, जिसको इंग्लिश में वाइब्रेशन कहते हैं बाबा, इधर उधर से एकदम सब बहुत ही खूबसूरत वाइब्रेशन आया। बड़ी खुशी थी आपने।
तो ऐसा सद्गुरु जी का प्रताप रहा है, सद्गुरु की कृपा रही है संगीतकारों पर और संगीत पर। तो ऐसे महान सद्गुरु के चरणों में हम अपना शीश निभाते हैं और उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनकी कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे, सारी सृष्टि पर उनकी कृपा बनी रहे, यही मेरी अरदास है। धन्यवाद।